बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर में 9 श्रृंखलाबद्ध धमाके। गृह राज्य मंत्री ने कहा यह धमाका है आतंकी घटना। केंद्रीय गृह सचिव ने कहा धमाकों की जांच के लिए एनआईए और एनएसजी की टीम को भेजा गया बोधगया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने धमाकों की कड़ी निंदा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की संस्कृति और परंपरा सभी धर्मों का सम्मान करने की देती है सीख। सभी दलों ने भी एक स्वर में की घटना की निंदा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर का दौरा कर सुरक्षा स्थिति का लिया जायजा। कहा कि धमाकों में शामिल लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वो केंद्र सरकार से पूरी मंदिर की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की टीम को तैनात करने का आग्रह करेंगे। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने बोधगया में हुए आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा की हालत बेहद खराब है, लेकिन सरकार के पास इसे लेकर व्यापक कार्य योजना नहीं है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि धमाकों की बारीकी से जांच होनी चाहिए और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस बीच राजद नेता लालू प्रसाद ने बोधगया घटना की निंदा करते हुए कहा कि अहिंसा की धरती पर ऐसी घटना का होना है दुर्भाग्यपूर्ण। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने बम धमाकों पर कहा कि बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों में शामिल बोधगया में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों की खबरों से वे हुए हैं आहत। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के इट्टापल्ली तहसील में पुलिस और नक्सलियों के बीच चल रही मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। अब तक 6 नक्सलियों के शव किए गए बरामद। मुठभेड़ स्थल से एक 303 कार्बाइन, 12 बोर की 3 राइफलें सहित कई गोलियां बरामद। मिस्र में उदारवादी नेता अल बरदेई को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अल बरदेई संयुक्त राष्ट्र परमाणु कार्यक्रम और आईएईए के अध्यक्ष रह चुके हैं। हुस्नी मुबारक को अभ्यस्त करने में थी उनकी मुख्य भूमिका। सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एशियाना एयरलाइंस के एक बोइंग 777 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 30 लोग हुए घायल। विमान ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल से भरी थी उड़ान। दुर्घटना के कारणों का भी पता नहीं। विमान में 291 यात्री और चालक दल के 16 सदस्य सवार थे। विंबलडन में जर्मनी की सबीने लिसिकी को हराकर फ्रांस की मरियन बार्तोली ने जीता महिलाओं का सिंगल्स खिताब। पुरुष वर्ग में एंडी मरे और नोवाक जोकोविच के बीच आज होगा फाइनल मुकाबला।